नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। गैस आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी कॉम्बर मशीन होती है या कॉम्बिंग मशीन होती है तो उसका प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गैस आज मैं इस वीडियो में आपको तीन तरीके से किसी भी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो गैस आप देखिए कि कैसे किसी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन निकाला जाता है। तो गैस पहला तरीका सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए पहला मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन तो हमें कुछ डेटा की रिक्वायर्ड होती है, मशीन डेटा की रिक्वायर्ड होती है। तो गाइस हमने यहाँ पे मशीन डेटा दिए हुए हैं। देखिए आप, ये लेफ्ट हैंक है आपका, तो ये कितना है आपका, ये है आपका 0.00843 न्यूमेरिक काउंट में है। गाइस जो लेफ्ट होता है वो आपकी कॉम्बिंग मशीन का फीड मटेरियल होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और गाइस फीड लेंथ पर निप कितना है आपका, 5 mm है। निप्स पर मिनट कितना है आपका, 400 है। बेड टेंशन कितना है, 10% है। नॉइल परसेंट कितना है, 16% है। तो गाइस ये नॉइल परसेंट तो होता है, इसको वेस्ट परसेंट भी कह सकते हैं आप, तो वो आपका 16% है। और गाइस इफिशियंसी है आपकी 85%। नंबर ऑफ हेड्स इन मशीन 8 है और शिफ्ट आवर्स आपके 8 है। तो गाइस हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे आप किसी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे इन डेटा की सहायता से। तो गाइस देखिए आप, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम निकाल के दिखाएंगे कि आपकी फीड लेंथ पर मिनट इन मीटर कितनी है। तो उसके लिए जो ऊपर डेटा दिए हुए हैं तो वो फीड पर निप इंटू निप्स पर मिनट डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जो फीड पर निप का मतलब है एक निप में आपका कितने mm फीड हो रहा है और इंटू एक मिनट में कितने निप्स लग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 1000 का भाग देंगे। तो 1000 का भाग गाइस इसलिए दिया जाता है कि जो हमारी फीड पर निप है या फीड लेंथ पर निप है वो हमारी mm में ली हुई है हमने, इसलिए हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दिए। ये देखिए फीड पर निप है 5 mm इंटू निप्स पर मिनट 400 तो डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 2 meters per minute। मतलब जो हमारी फीडिंग होगी पर मिनट फीडिंग होगी वो होगी आपकी 2 meters per minute। गाइस अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको बेड टेंशन। तो हमने ऊपर दिया हुआ था बेड टेंशन इन परसेंट दिया हुआ था। तो गाइस अब हम एक्चुअल बेड टेंशन निकाल के दिखा रहे हैं। तो बेड टेंशन इज इक्वल टू 1 + बेड टेंशन परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस बेड टेंशन अपना कितना है, 10% है। तो देखिए यहाँ पे 1 + 10/100 तो ये निकल के आ जाता है आपका 1.1। गाइस अब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन। तो हम दो चीजें निकाल चुके हैं, एक तो आपका जो फीड लेंथ है आपकी पर मिनट कितनी हो रही मीटर में वो निकाल दी हमने, 2 meters per minute हो रही है, और आपका वेट टेंशन हमने कैलकुलेट किया है वो है 1.1। गाइस अब हम मान के चलते हैं कि सपोज दैट कॉम्बर प्रोडक्शन पी इन केजी पर हेड। तो हमने मान लिया है कि हमारी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन है वो पी है और वो केजी में है, और पर हेड का प्रोडक्शन हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। गाइस तो यहाँ पे देखिए जो किसी भी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो गाइस देखिए यहाँ पे फीड लेंथ पर मिनट इन मीटर्स इंटू 60 × 8 इंटू 0.59 इंटू इफिशियंसी डिवाइडेड बाई लैप हैंक इन एनी इंटू 1000 इंटू 100 इंटू बेड टेंशन। तो गाइस अब इसमें देखिए फीड लेंथ पर मिनट इन मीटर्स तो हमें मिल गई है ऊपर, हमने कैलकुलेट कर लिया है। और गाइस साइड का गुणा इसलिए करते हैं कि ये जो फीड लेंथ पर मिनट है, एक मिनट की फीड लेंथ है ये, तो हम 60 का गुणा कर देंगे तो एक घंटे की ये फीड लेंथ आ जाएगी, और इसमें जब 8 का गुणा कर देंगे तो ये पूरी एक शिफ्ट की मतलब 8 hours की फीड लेंथ निकल के आ जाती है। और गाइस यहाँ पे देखिए ये आपका 0.59 का मल्टीप्लाई इसलिए किया हुआ है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वेट लेंथ और काउंट का फॉर्मूला होता है उसके अंदर 0.59 कांस्टेंट होता है। तो गाइस इसके बाद में इनटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपकी मशीन 8 घंटे में कितने परसेंट चली है, तो वो यहाँ पर रखते हैं, और डिवाइडेड बाय लैप हैंक, तो लैप हैंक आपका दिया हुआ है एनी में है, और डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए करते हैं गाइस कि
ये जो हमारा ऊपर का फॉर्मूला होता है वो ग्राम में वजन देता है, तो ग्राम में जब वजन देता है तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना है 100 है, तो 100 इसलिए कि जो आपकी इफिशियंसी वो परसेंट में, इसलिए 100 का भाग लगेगा, इनटू वेट टेंशन, तो वेट टेंशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, देखिए ये 1.1 है आपका वेट टेंशन, तो ये जो आपका प्रोडक्शन आएगा पर हेड तो वो केजी में आएगा आपका। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने सारे वैल्यू पुट किए हुए हैं, ये आपकी फीड लेंथ पर मिनट है 2 मीटर पर मिनट फीड हो रहा है, इंटू 60 इंटू 8 इंटू 0.59 इंटू 85 क्या है आपकी इफिशियंसी है, डिवाइडेड बाय 0.00843 तो ये आपका लैप हैंक है न्यू इंग्लिश काउंट में, इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1.1 तो 1.1 आपका वेट टेंशन है। तो गाइस जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं गुणा भाग करके तो निकल के आता है आपका 51.92 केजीस पर हेड। तो ये तो आपका कैलकुलेटेड प्रोडक्शन निकल के आया गाइस, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जो नॉइल परसेंट था वो नहीं घटाया है, तो ये आपका कैलकुलेटेड प्रोडक्शन हुआ पर हेड का। अब गाइस हम क्या करते हैं, नाउ डिडक्ट नॉइल परसेंट फ्रॉम पर हेड प्रोडक्शन। अब हम जो हमारा कैलकुलेटेड प्रोडक्शन आ रहा था पर हेड, जो पी आ रहा था, तो हम उसमें से नॉइल परसेंट घटाएंगे। देखिए कैसे घटाते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन पर हेड इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस नॉइल परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो गाइस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे आपका पी कितना आया था, तो पी था आपका 51.92 केजी, यहाँ पर रख दिया इंटू 1 माइनस 16 अपॉन 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो निकल के आता है आपका 51.92 इंटू 0.84, तो आपका फाइनल जो प्रोडक्शन पर हेड आएगा एक्चुअल जो होगा वो होगा 43.61 केजी पर हेड। तो गाइस अब हमें मिल गया एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ हेड या एक्चुअल प्रोडक्शन पर हेड इन केजी इन 8 आवर्स मिल गया आपको, तो वो गाइस कितना है, वो है आपका 43.61 केजी पर हेड। अब गाइस हम टोटल मशीन का प्रोडक्शन निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे मशीन प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इनटू प्रोडक्शन पर हेड, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा जाएगा यहाँ पे, मींस इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब मशीन प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन पर हेड। तो गाइस आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन पर हेड है वो है आपका 43.61 और इनटू 8, ये आपके नंबर ऑफ हेड्स इन मशीन है, तो हम 43.61 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आता है 348.88 केजीज। तो ये गाइस आपका पर शिफ्ट का प्रोडक्शन होता है और केजीज में होता है, और आपकी टोटल मशीन का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो 8 हेड है आपकी मशीन में वो तो टोटल प्रोडक्शन निकल के आ जाता है। तो गाइस ये तो एक तरीका हुआ, तो इसके अंदर क्या था, आपको वेट टेंशन दिया हुआ था और आपको इफिशियंसी दी हुई थी और आपको लैप हैंक दिया हुआ था, तो आपने कैलकुलेट कर लिया अपनी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो पहला तरीका था उसमें हमने बताया था कि फीड मटेरियल से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन क्या आ रहा है। बट गाइस यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो किसी भी कॉम्बर का जो आउटपुट होता है वो स्लाइवर होता है, तो गाइस हम स्लाइवर वेट की सहायता से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी मशीन का प्रोडक्शन पर शिफ्ट कितना आ रहा है। तो गाइस देखिए जो डेटा रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाए हुए हैं, तो जो डेटा है वो देख लीजिए आप, कॉयलर कैलेंडर रोलर आरपीएम आपका है 125 आरपीएम, कॉयलर कैलेंडर रोलर डायमीटर 2.5 इंचेस है, डिलीवर्ड स्लाइवर वेट तो गाइस वो कितना है आपका 70 ग्रेन्स पर यार्ड है, और इफिशियंसी 95%, शिफ्ट आवर्स 8 आवर्स है, नंबर ऑफ हेड्स इन मशीन 8 है। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जो ये डाटा आपको मिले हुए हैं, तो देखिए गाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमारा कॉयलर कैलेंडर रोलर होता है उसकी सरफेस स्पीड निकालते हैं, तो सरफेस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर इज इक्वल टू सीसीआर आरपीएम इनटू सीसीआर डायमीटर इनटू पाई डिवाइडेड बाय 39.37। तो यहां पर मैं समझा देता हूं आपको, सीसीआर का मतलब है कॉयलर कैलेंडर रोलर, शॉर्ट में लिख दिया हमने क्योंकि स्पेस की कमी थी स्क्रीन में। तो गाइस यहाँ पे देखिए सीसीआर आरपीएम इंटू सीसीआर
डायमीटर इनटू पाई डिवाइडेड बाय 39.37। तो गाइस ऊपर हमने सीसीआर आरपीएम भी दिया है, सीसीआर डायमीटर भी दिया है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे आपका कॉयलर कैलेंडर आरपीएम 125 है और आपका कॉयलर कैलेंडर रोलर डायमीटर आपका 2.5 इंचेज है। तो ये दोनों वैल्यू हैं, हम ये नीचे के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। गाइस देखिए कैसे पुट करेंगे, ये देखिए आपको सीसीआर आरपीएम कितना है आपका, ये 125 है तो हमने यहाँ पे सीसीआर आरपीएम रख दिया 125 इंटू 2.5। तो ये आपका कॉयलर कैलेंडर रोलर मतलब सीसीआर का जो डायमीटर है इंचेज में वो रख दिया यहाँ पे, अब इंटू 3.14। तो ये पाई का वैल्यू है, तो ये आपकी यहाँ पे पाई थी तो हमने यहाँ पे रख दिया 3.14 और डिवाइडेड बाई 39.37। तो गाइस 39.37 इसलिए करते हैं जिससे कि जो हमारी लेंथ इंच में है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लेंथ आपकी इंच में आ रही है, 2.5 है ये आपका इंच में है, तो यहाँ पर 39.37 का भाग दे दिया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। गाइस अब हम इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है आपका 24.92 मीटर्स पर मिनट। तो गाइस जो आपकी डिलीवरी होगी स्लाइवर की वो होगी 24.92 मीटर्स पर मिनट। अब गाइस देखिए स्लाइवर हैंक कैसे निकालें, ये देख लीजिए गाइस, ये आपका डिलीवर्ड स्लाइवर वेट है 70 ग्रेन्स पर यार्ड है, इसको अब हमें कन्वर्ट करना है हैंक में, मतलब स्लाइवर हैंक निकालनी। तो हम देखिए कैसे निकालते हैं स्लाइवर हैंक, ये देख लीजिए यहाँ पे गाइस स्लाइवर हैंक इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाई स्लाइवर वेट इन ग्रेन्स पर यार्ड इंटू 840। तो ये आपका न्यू इंग्लिश काउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्लाइवर का हैंक निकल आएगा न्यू इंग्लिश काउंट में। गाइस देखिए इसमें हम दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो स्लाइवर वेट इन ग्रेन्स पर यार्ड आपका 70 है तो हमने यहाँ पर रख दिया गाइस, और ये तो आपको फॉर्मूले में दिखाई हुआ है कि 7000 है ये और डिवाइडेड बाई 840, तो 840 हम हैंक बनाने के लिए भाग देते हैं, और ये जो 7000 है ये एक पाउंड में 7000 ग्रेन होते हैं, तो ये दोनों इसलिए रखे गए हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस तो निकल के आता है आपका 0.119 एनी, जो आपका डिलीवर्ड स्लाइवर हैंक है गाइस वो निकल के आता है आपका 0.119 इन न्यू इंग्लिश काउंट। तो गाइस अब जो फॉर्मूला होता है आपकी कॉम्बर का प्रोडक्शन निकालने का, तो वो होता है आपका SS of CCR into 60 into 8 into 0.59 into efficiency divided by saliva hank in any into 1000 into 100। तो guys अब आप इसमें देखेंगे कि SS of CCR क्या है, तो guys ये SS of CCR का मतलब है सरफेस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर, और आपका 0.59 क्या है, तो guys यहाँ पे 0.59 का मतलब है कि आप जब काउंट वेट और लेंथ का जो रिलेशन होता है तो उसके अंदर 0.59 एक कांस्टेंट होता है, और आपका ये स्लाइवर हैंक एनी में है। 1000 का जो हमने डिवाइड किया है वो इसलिए किया है कि आपका जो प्रोडक्शन आता है ग्राम में आता है, तो उसको हम 1000 से भाग देके केजी में कन्वर्ट करते हैं, और 100 का भाग इसलिए दे रहे हैं गाइस कि जो आपकी एफिशिएंसी है परसेंट में होती है इसलिए 100 का भाग देंगे, और यहाँ पर देख लीजिए 60 है तो 60 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ऊपर क्योंकि जो आपकी सरफेस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर होती है वो आपकी पर मिनट होती है, तो यहाँ पे हम 60 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एक घंटे का हो जाता है, और 8 का मल्टीप्लाई करते ही ये आपका 8 घंटे का हो जाता है, मतलब एक शिफ्ट का हो जाता है। तो गाइज अब हम इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला है तो इसके अंदर अब हम सारे वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी SS of CCR वो कितनी है जो निकल के आई थी, वो है आपकी 24.92 इंटू 60 इंटू 8 इंटू 0.59 इंटू 95, तो 95 आपकी एफिशिएंसी है डिवाइडेड बाई 0.119, तो ये आपकी डिलीवर्ड स्लाइवर हैंक है एनी में इंटू 1000 इंटू 100। तो गाइस जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है आपका 56.340 केजी पर हेड पर 8 आवर। तो गाइस अब हम निकाल के दिखाएंगे आपको टोटल मशीन प्रोडक्शन, तो गाइस हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 8 हैं, और हमें मिल गया है प्रोडक्शन पर हेड। तो गाइस देखिए मशीन प्रोडक्शन इज इक्वल टू
प्रोडक्शन पर हेड इंटू नंबर ऑफ हेड इन मशीन, तो आपका प्रोडक्शन पर हेड कितना है, वो है आपका 56.340 इंटू 08, तो 08 आपका है नंबर ऑफ हेड्स, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आता है 450.720 केजीज पर 8 आवर। तो गाइज इस तरीके से जो मशीन है आपकी उसका 8 आवर्स का प्रोडक्शन निकल के आ जाता है। अब गाइज हम आपको तीसरा मेथड भी बताते हैं कि कैसे कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो गाइज आप देखते रहिए अंत तक। तो गाइज ये है आपका तीसरा मेथड, तो इसमें जो डेटा होते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं, तो कुछ डेटा तो आपके जो सेकंड वाला कैलकुलेशन था उसके सिमिलर हैं। आप देखिए यहाँ पे कॉयलर कैलेंडर रोलर आरपीएम 125 है, कॉयलर कैलेंडर रोलर डायमीटर 2.5 इंचेस है, डिलीवर्ड स्लाइवर वेट वो कितना है आपका 70 ग्रेन्स पर यार्ड है, एफिशिएंसी 95% है, शिफ्ट आवर्स 8 है, नंबर ऑफ हेड्स इन मशीन कितने हैं आपके 8 हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सरफेस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर, तो देखिए गाइस सरफेस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर इज इक्वल टू सीसीआर आरपीएम इनटू सीसीआर डायमीटर इनटू पाई डिवाइडेड बाय 39.37। तो गाइस ये निकल के आ जाता है आपका 125 इनटू 2.5 इनटू 3.14 डिवाइडेड बाय 39.37। तो आपकी सरफेस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर निकल के आ जाती है 24.92 मीटर पर मिनट। अब गाइस आगे देखिए क्या चेंज है कैलकुलेशन में, तो हमें क्या दिया हुआ है गाइस, जो आपका स्लाइवर वेट है वो ग्रेन्स में दिया हुआ है, मतलब ग्रेन्स पर यार्ड दिया हुआ है। ऊपर देख लीजिए आप, हमारा डिलीवर्ड स्लाइवर वेट है वो 70 ग्रेन्स पर यार्ड है। तो गाइस अब हम इसको ग्राम्स पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्लाइवर वेट को, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लाइवर वेट इन ग्राम्स पर मीटर इज इक्वल टू देख लीजिए स्लाइवर वेट इन ग्रेन्स पर यार्ड डिवाइडेड बाय 7000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 453.6 इंटू 39.37। तो गाइस हम इसका फंडा बता देते हैं आपको कि हमने ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों की है। आपका जो स्लाइवर वेट ग्रेन्स पर यार्ड है, तो सबसे पहले ग्रेन्स को हमने एलवीएस में बदला, तो एक एलवी बराबर होता है 7000 ग्रेन्स, तो हमने यहाँ पे 7000 का भाग दे दिया है गाइस। अब इसके बाद में जो आपका स्लाइवर है तो उसमें हमने 36 से भाग दे दिया, तो ये आपका पर इंच हो गया आपका एलवीज में, और हमने यहाँ पे 453.6 से गुणा कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और 39.37 का हमने गुणा कर दिया तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जो वेट ग्रेन्स पर यार्ड में है वो निकल के आ जाएगा स्लाइवर वेट इन ग्राम्स पर मीटर में। तो गाइस देखिए हमें स्लाइवर वेट इन ग्रेन्स पर यार्ड दिया हुआ है, हमने यहाँ पर रख दिया 70 है, और बकाया यहाँ पे देखिए 453.6 इंटू 39.37 डिवाइडेड बाई 7000 डिवाइडेड बाई 36। तो गाइस जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा स्लाइवर है अब उसका डायरेक्ट वेट निकल के आ गया आपका ग्राम्स पर मीटर में। देखिए गाइस कितना निकल के आया, तो आपका स्लाइवर वेट इन ग्राम्स पर मीटर इज इक्वल टू 4.96 ग्राम्स पर मीटर। अब गाइस अब हम आपको प्रोडक्शन निकाल के दिखाते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, सपोज प्रोडक्शन पर हेड इज इक्वल टू पी के जी पर 8 आवर्स। तो गाइस जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, पी इज इक्वल टू SS of CCR, मतलब सर्फिस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर इंटू 60 इंटू 8 इंटू इफिशियंसी इंटू स्लाइवर वेट इन ग्राम्स पर मीटर डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो गाइज ये तो आपका SS of CCR का मतलब है सर्फिस स्पीड ऑफ कॉयलर कैलेंडर रोलर, और इंटू 60 का गुणा इसलिए किया है कि ये आपकी पर मिनट है SS of CCR, तो 60 का मल्टीप्लाई करते ही आपकी 1 घंटे की हो गई, 8 का मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आवर की हो गई, इनटू एफिशिएंसी इनटू स्लाइवर वेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो गाइस इसके बाद में 1000 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि आपका जो स्लाइवर वेट है ग्राम्स पर मीटर में है, तो यहाँ पे 1000 का भाग दे दिया तो ये केजी में बन गया, जो नीचे भाग दे रहे हैं तो ये 100 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एफिशिएंसी जो परसेंट में है, तो इसलिए हम 100 का भाग भी देंगे। तो गाइज अब इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए
ये आपकी एसएस ऑफ कॉलर कैलेंडर रोलर है आपकी 24.92, तो इंटू 60 इंटू 8 इंटू 95 आपकी एफिशिएंसी है, इंटू 4.96 तो ये आपका है ग्राम्स पर मीटर स्लाइवर वेट, तो आपका निकल के यहाँ पे आ गया था स्लाइवर वेट ग्राम्स पर मीटर में 4.96 था, तो यहाँ पर रख दिया डिवाइडेड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 100। तो गाइज जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है आपका 56.363 केजीज पर हेड। तो गाइज अब हम टोटल मशीन का प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, तो जो हमारा पर हेड प्रोडक्शन आया उसमें हम नंबर ऑफ हेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए गाइज मशीन प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन पर हेड इनटू नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, मतलब प्रोडक्शन पर हेड 56.363 इनटू 8, तो आपका कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है 450.9 केजी। तो गाइज अब इसमें आपको तीनों मेथड बता दिए हमने आपको, आपको स्लाइवर हैंक दिया हुआ है तब आप कर सकते हैं, आपको स्लाइवर वेट दिया हुआ है सपोज करिए तब भी कर सकते हैं। तो गाइज देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।